एक बड़ा सा ग्राउंड है और यहाँ जो है छोटा सा बनाया गया है यह अभ्यास करने का क्षेत्र, तो मैं यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और इधर आप से इधर दिखाइए, देखिए कैसे जो है गेंद आती है और कैसे शॉट लगता है। देखिए जो है पूरा एकदम यूनिफॉर्म में इस तरीके से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वाले होते हैं जैसे अभ्यास करते हैं उस तरीके से, और जाल नेट लगाया गया है और इसी के अंदर अभ्यास कर रहे हैं। चलिए मैं इधर भाई साहब से पूछूंगा कि आप बताइए जो है क्या नाम है? एनएससीए। अच्छा एनएससीए। अच्छा तो यहाँ रोज आते हैं अभ्यास करने? अच्छा। चलिए अभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे? क्या पढ़ाई में क्या चल रहा है? अच्छा तो लेकिन बहुत अच्छी बात है। वास्तव में मित्रों मैं तो कहना चाहूँगा कि जो आप नौजवान है, युवा है, और युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, और जो आंधी से टकरा जाए उसे चट्टान कहते हैं, और जो चट्टान से टकरा जाए उसे नौजवान कहते हैं, आज नौजवान और ये सब भविष्य के कर्णधार हैं। आप लोगों को भविष्य में वास्तव में कोई नहीं जान सकता, ये छोटा छोटा अभ्यास ही आदमी को बहुत आगे ले जाता है। क्या पता जो है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। मैं खुद आपको बता दूं, आज एक बात सामने निकल कर आती है, मेरा एक खुद भतीजा है, मैं जिला प्रयागराज से, मेरा जनपद प्रयागराज है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक भतीजा है और वह जो है प्रीतम सिंह उसका नाम है। आज जो है वो स्टेट लेवल का जो होता है ना खेल होता है, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, खेल रहा है हैदराबाद में। तो मित्रों इस प्रकार से लोग गांव से और छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे मैदान, छोटे छोटे स्टेडियम से मेहनत करते करते, खेलते खेलते बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आइए मैं इधर फिर दिखाता हूँ आपको शॉट, देखिए देखने का प्रयास करिए, देखिए कितना गजब का शॉट लग रहा है। इस प्रकार से जो है अभ्यास कर रहे हैं यहाँ के युवा। और चलिए मैं इधर बाबू से पूछता हूँ, आपको सुन रहा हूँ सवाल। अच्छा अभ्यास कर रहे हैं बाबा, ठीक है। पढ़ाई में क्या चल रहा है? 11। अच्छा, अभी से प्रयास चल रहा है दिव्यांश जी का, तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। वास्तव में कहा जाता है कि मनुष्यों को परिस्थिति से लड़ने का जज्बा होना चाहिए, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे और दूसरा गढ़े, यही होता भी है। लेकिन आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं, क्रिकेट अंग्रेजी शब्द है ना, है ना? तो क्रिकेट का हिंदी बताइए, या कोई बता सकता है इसमें से क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई ऐसा है जो है बता सकता है? हाँ बताइए क्या कहते हैं। अरे बहुत सही, मेरे दिमाग में बात आ गई कि शायद कोई बता ही नहीं पाएगा कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। लंब दंड गोल पिंड मार धर प्रतियोगिता। वास्तव में कितनी बड़ी बात है। देखिए क्या नाम बताया आपने? क्षितिज श्रीवास्तव। चलिए ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, और आप अभ्यास करते रहिए। आइए जो देखिए इधर ये लगा लिए हैं, इसमें बस इंडिया लिखा जाए बस ना आपके टीचर, तो बड़ा अच्छा लगेगा। मित्रों इसी के साथ आइए मैं इधर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, निकला हुआ जो है आप पास में बन जाइए। तो देखिए जो है दस्ताना इनका, ये ऐसे है, और ये हेलमेट है ना, इस तरीके से सब अपना अभ्यास कर रहे हैं। और उधर वो क्या रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं? फिश फार्मिंग। अच्छा, वो समतल करने है। अच्छा आप यहीं से रोलर जिसको बोलते हैं, और पूरा मैदान एक बार आप दिखा दीजिए, मैं चाहता हूँ यह जो है आप ग्राउंड दिखा दीजिए। कितना ही सुंदर यह ग्राउंड लग रहा है, बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया है। यह राय बरेली में पड़ेगा, गोरा बाजार के निकट यह जो है खेल का मैदान बनाया गया है। गोरा बाजार शिव शांति नगर में अभी हमें सुबह सुबह कुछ युवा मिल गए खेलते हुए, तो मैं इनके जो है हौसले के लिए, साहस के लिए थोड़ा सा मैं जो है प्रयास किया कि ऐसा संदेश और
ऐसा जो है खेल के प्रति जो बच्चों का रुचि है, युवाओं का रुचि है, या बहुत आगे दूर तक जाए और इसमें आप भी सहभागिता निभाएं। इसी के साथ मित्रों, मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ, विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता हूँ।